तो एक आरोपी 55 दिन तक फरार रहता है, राज्य सरकार की पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है, अदालत के एक आदेश यार लेती है, अदालत को साफ साफ कहना पड़ता है कि इसे गिरफ्तार करो। बादशाह जहां शेख की हो रही है, पश्चिम बंगाल का एक प्रभावशाली नेता जिसे सीबीआई को सौंपने में बंगाल की ममता सरकार के पसीने छूट गए हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शाहजहां शेख को फौरन सीबीआई को सुपुर्द करने के लिए कहा है। जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपी गई है, लेकिन बंगाल पुलिस ने शाहजहां को सौंपने से इनकार कर दिया है। आज बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची, हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अभी इंतजार करें, सीबीआई फैसला करेंगे कि सुनवाई होगी भी या नहीं, होगी तो कब होगी। अनुपम हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनुपम, ये लड़ाई अब बढ़ती जा रही है और ममता सरकार बार बार ये शेख को बचाने की ही एक तरीके से कोशिश है, जिसके लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा रहा है। अर्पिता, देखिए बड़ा अजीब मामला है यहाँ पर। शेख शाहजहां, जिसे 55 दिन बाद गिरफ्तार किया गया, बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया, अब उसकी कस्टडी को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार में बेहद ठन गई है और मामला सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट दोनों में पहुंच चुका है। अब हाईकोर्ट में अभी जो मामला हुआ है, वहां पर ईडी की ओर से कहा जा रहा है कि तुरंत सुनवाई की जाए, क्योंकि जो मुख्य न्यायाधीश का आदेश था कि सीबीआई को दी जाए शेख शाहजहां की कस्टडी, वो राज्य सरकार ने मना कर दिया है, कस्टडी नहीं दे रही है राज्य सरकार। राज्य सरकार का कहना है कि चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए जब तक उस मामले की सुनवाई नहीं होती, तब तक हम ये जो कस्टडी है शेख शाहजहां की, वो नहीं दे सकते हैं। लेकिन इस बीच जो आवेदन किया गया है ईडी की ओर से, उसमें कहा गया है और उसमें आशंका जताई गई है कि जो सबूत है वो नष्ट हो सकते हैं, इसलिए मामले की तुरंत सुनवाई की जाए और जो मुख्य न्यायाधीश का आदेश था उसको बहाल किया जाए। एक कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी एक तरह से है जो ईडी की ओर से कहा गया है। अब इस मामले की सुनवाई आज कोलकाता हाईकोर्ट में होनी है, उधर सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चला गया है, तो ऐसे में जो सियासी घमासान है दोनों के बीच, वो भी बढ़ चला है। एक जो तकनीकी बात है हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की, वो तो चल ही रही है, लेकिन जो सियासी घमासान है वो भी काफी बड़ा हो चुका है। बीजेपी का आरोप है कि 55 दिन बाद एक तो गिरफ्तार किया गया, उसके बाद जब हाईकोर्ट की ओर से, मुख्य न्यायाधीश की ओर से कहा गया कि जो कस्टडी है वो सीबीआई को दी जाए, अब चूंकि ये मामला, मुख्य जो मामला था वो ईडी का था, लेकिन जो मुख्य न्यायाधीश का आदेश था वो सीबीआई कस्टडी के लिए किया गया, लेकिन आज जो आवेदन किया गया है वो जो मुख्य मामला था ईडी का, ईडी की ओर से ही किया गया है। ठीक है अर्पिता, लौटेंगे आपके पास। पिछले 24 घंटे में शाहजहां शेख पर कई सच सामने आ गए हैं। ये पता चल गया है कि शाहजहां शेख के खिलाफ आरोपों की जांच बंगाल पुलिस के हाथ में रहे, इसके लिए ममता की सरकार किस कदर हाथ पांव मार रही है। कल कलकत्ता हाईकोर्ट ने शाहजहां को सौंपने को कहा तो सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, लेकिन उससे पहले शाहजहां को गिरफ्त में लेने के लिए कोलकाता में किस कदर तमाशा हुआ, जरा देखिए। ईडी टीम पर हमला, खेतों पर जबरन कब्जा, महिलाओं का यौन शोषण, 43 से ज्यादा आपराधिक मामले, करोड़ों का राशन घोटाला, गुरूर मगरूर सत्ता की ताकत के नशे में चूर शाहजहां शेख पर उसकी फरारी के दिनों की तरह बेहद लंबी है। 55 दिनों तक वो फरार रहा, लुका छिपी का खेल खेलता रहा। जब हाईकोर्ट आग बबूला हुई, ममता सरकार को डांट पड़ी, तो मरता क्या न करता अंदाज में शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया गया, लेकिन शाहजहां से सहानुभूति कम नहीं हो पा रही। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कल दो टूक कहा, पुलिस का रवैया पक्षपातपूर्ण है, जांच की एजेंसियों से निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं है, बंगाल पुलिस आरोपी को बचाने के लिए लुका छिपी का खेल खेल रही, आरोपी राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति है, वो बंगाल पुलिस की जांच को प्रभावित कर सकता है। राज्य सरकार ये विश्वास करते हैं कि सीआईडी ये मामला को फैसला कर सकते है, क्योंकि शेख शाहजहां को गिरफ्तार कोई सीबीआई ईडी नहीं किया, पश्चिम बंगाल के पुलिस किया, तो इसलिए जब हाईकोर्ट का ऑर्डर आया, राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गए हैं इसको खिलाफ। कलकत्ता हाईकोर्ट का मंगलवार का आदेश ममता सरकार की साख पर किसी हथौड़े से कम नहीं, आदेश का संदेश साफ है, कोर्ट को बंगाल पुलिस पर भरोसा नहीं। गौर करिए,
17 जनवरी को हाईकोर्ट ने एसआईटी के गठन का आदेश दिया। एसआईटी में पुलिस और सीबीआई को शामिल करने को कहा। 5 मार्च को हाईकोर्ट ने कह दिया शाहजहां को सीबीआई को सौंपो। 5 मार्च को शाम 4:30 बजे तक की डेडलाइन भी कोर्ट ने दे दी, लेकिन इस आदेश के बाद भी कोलकाता में तमाशा जारी रहा। शाम 5:30 बजे सीबीआई की टीम शाहजहां शेख को हिरासत में लेने पहुंची। 1.5 घंटे तक दोनों एजेंसियों के बीच सवाल जवाब चलता रहा। शाम 7 बजे सीबीआई की टीम खाली हाथ पुलिस मुख्यालय से लौट जाती है। तो कोलकाता पुलिस ने हाईकोर्ट का आदेश दरकिनार कर दिया, शाहजहां शेख को सौंपने से इनकार कर दिया। सूर्याग्नि रॉय, कोलकाता आज तक। इस पूरे मामले पर ममता बैनर्जी क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए। आज जे भाव सब चलते चाहिए इम्पार्शियल इलेक्शन, बीजेपी इलेक्शन चाहना, इम्पार्शियल इलेक्शन चाहिए। বাংলা একমাত্র জায়গা যেখানে ইম্পার্শিয়াল ইলেকশন হয়, আর বাংলায় এসে যারা বড় বড় কথা বলছে তাদের আমি বলবো একবার উত্তর প্রদেশে যান। গত পরশুদিন দুটো নাবালিকাকে খুন করে তার হাতগুলোকে বেঁধে খুন করে নির্যাতন করেছে, একবার বিলকিসের বাড়িতে যান, একবার হাতরাসে যান, একবার সাক্ষীর কাছে যান, দেখে আসুন বাংলা অনেক সুস্থ, বাংলা অনেক শান্ত। বিজেপির মন গড়া কিছু দাঙ্গার ছক, কিছু দাঙ্গার আন্দোলন দিয়ে বাংলার মা বোনদের যে অসম্মান করার চেষ্টা করা হচ্ছে, এতে বাংলার মা বোনেরা খুশি নয়। মমতা সরকার ভরসক কোশিশ কর রহি হ্যায় কি শাহজাহান শেখ সিবিআই কে হাত না লাগ জায়ে, আর ইসি কোশিশ মে ও সিয়াসি সওয়ালো মে বিগড়তে দিখ রহি হ্যায়। রাজ্য সরকার ইয়ে বিশ্বাস করতে হ্যায় কি সিআইডি ইয়ে मामला को फैसला कर सकते, क्योंकि शेख शाहजहां को गिरफ्तार कोई सीबीआई ईडी नहीं किया, पश्चिम बंगाल के पुलिस किया। तो इसलिए जब हाईकोर्ट का ऑर्डर आया, राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गए हैं इसको खिलाफ। आज देखा जाएगा सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देते हैं। सीबीआई अकेले दम पर सारे ये खूंखार जो अपराधी हैं इन सबको दबोच में ले पाएंगे या पकड़ने पाएंगे, क्योंकि ये सारे सूबे की सरकार, ये संदेशकल की जितने सारे दरिंदों हैं, ये सबको ये मदद करते हैं, सबको पनपते हैं, इन्हीं की दया से, इन्हीं की ताकत से, इन्हीं की मदद से सारे संदेशकल बल्कि नहीं सारे बंगाल में सारे दरिंदों ने राज कायम किए हैं। चाहते हैं कि इसका तह तक इंक्वायरी हो, और ये दर्शाता है, ये हाईकोर्ट की वार्डिक है, वो दर्शाता है कि जुडिशियरी हैज नो फेथ ऑन द ममता बनर्जी एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये ममता बनर्जी की एडमिनिस्ट्रेशन की गाल के ऊपर तमाचा है, और ऐसा तमाचा कोर्ट बार बार मार चुकी है। ममता बनर्जी की प्रशासन के ऊपर जुडिशियरी की कोई विश्वास नहीं है।